अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। हज की पहली उड़ान का भोगील अब लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए हज यात्रियों के लिए एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ ही यात्रियों के पानी और खान पान की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के साथ ही महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग से नमाज अदा करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही हज कमेटी के साथ भी फ्लाइट संचालन और अन्य व्यवस्थाओं की लेकर प्रतिदिन कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। बहुत ही बड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं हज यात्रियों के लिए। आइए जानते हैं कि पहली उड़ान कब से होने वाली है। तो दोस्तों, आपको मालूम हो कि इस बार 21 से 27 मई तक मंगल, गुरुवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को जयपुर से मदीना के लिए उड़ानें प्रतिदिन प्रस्तावित हैं, जबकि बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 2 उड़ानें निर्धारित हैं। इसी तरह से 4 से 11 जुलाई के बीच हज से वापसी की फ्लाइटें संचालित होंगी। इस विधि के दौरान जद्दा से प्रतिदिन 1 उड़ान जयपुर हवाई अड्डे पर उतरेगी और रविवार को 2 आगमन निर्धारित हैं। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि पहली उड़ान 21 मई से हज की उड़ान होगी जयपुर हवाई अड्डे से। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और अभी वीडियो से कहीं भी ना जाइए, क्योंकि बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं कि दोस्तों, हज करने के लिए आप सभी को ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप इस लायक हैं कि हज कर सकते हैं, तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज करना अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर फ़र्ज किया है। हज का मुकद्दस सफ़र इस बार 21 मई से शुरू हो रहा है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 21 मई को हज उड़ानों का संचालन शुरू होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हज यात्रा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन राज्य की हज कमेटियां करती हैं। हज बैतुल्लाह के लिए आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक का सर्टिफिकेट, एक ग्रुप लीडर के बैंक खाते का कैंसिल चेक देना होता है। हज जाने के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है। महिलाओं की शरिया महरम को लेकर भी कुछ नियम हैं। फ्लाइट से जुड़े कुछ नियमों को भी पूरा करना पड़ता है। पूरी हज यात्रा में 40 दिन लग जाते हैं। इसमें 10 दिन मदीना में रहना पड़ता है। अलग अलग दिन अलग अलग परंपराओं का पालन करना पड़ता है, जबकि कुछ लोग 3 दिन के लिए ही हज पर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, हज के जो मैन अरकान होते हैं वो 3 दिन के ही होते हैं, जो 8, 9, 10 दिलहज्जा को किए जाते हैं। हज यात्रा पर औसतन 3 से 3.5 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। प्राइवेट हज यात्रा पर करीब 5 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। भाई दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट ये भी आ रही है, जो बहुत ही ध्यान रखने की बात है। जो भी लोग उमरा करने के लिए या हज करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, उन लोगों को ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, और इस जानकारी को आप लोग देख रहे हैं तो ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि इस तरह की गलती ना कर बैठें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर भारत के महावाणिज्य दूतावास जद्दा ने इस वर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। सऊदी अरब हज पर जाने वाले जायरीन इस खबर को ध्यान से देख लें। दरअसल, हज पर जाने वाले जायरीन किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करना वर्जित है। अगर फिर भी कोई यात्री ऐसी गतिविधि करते हुए पकड़ा जाता है, तो उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पवित्र मस्जिदों पर झंडे या किसी भी प्रकार के बैनर फहराना, मस्जिदों के फर्श पर पड़ी दूसरी की वस्तुओं को उठाना, सऊदी सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करना या झगड़ा करना वर्जित है। जारी सर्कुलर के मुताबिक धरना या करना या सऊदी अरब के कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी करना सख्त वर्जित है। इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी या जुर्माना या फिर निर्वासित किया जा सकता है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा ये दूतावास की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, और सभी लोगों को इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। दोस्तों, वैसे तो अपने मुल्क का झंडा दुनिया के हर कोने तक बुलंद रहे, ये हर सच्चे भारतीय की तमन्ना होती है। इसी मंशा के साथ भारतीय हज यात्री अपने साथ बाकी ज़रूरी सामान के साथ साथ अक्सर तिरंगा भी ले जाते हैं।
मौका देखकर वह काबा शरीफ के सामने अपनी छाती पर तिरंगे को रखकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल करते हैं। कई मौकों पर सऊदी अरब की जमीन पर देश प्रेम के जज्बे के नारे भी बुलंद किए जाते हैं जाते रहे हैं, लेकिन अब सऊदी सरकार ने ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस तरह की क्रियाओं में शामिल होने वाले हज यात्रियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उनका वीजा निरस्त करके सफर बीच में ही खत्म कर दिया जा सकता है। इसीलिए सऊदी सरकार के इस फरमान का पालन करने की सभी को ताकीद की गई है। प्रदेश हज कमेटी ने कहा है कि सऊदी सरकार ने हज यात्रा 2024 के दौरान हाजियों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने से रोका है। साथ ही मक्का और मदीना में पवित्र मस्जिदों पर झंडे या किसी भी प्रकार के बैनर फहराने पर भी पाबंदी लगाई है। हाजियों की ताकीद की गई है कि वे मस्जिदों के फर्श पर पड़ी दूसरों की वस्तुओं को ना उठाएं। साथ ही सऊदी सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहस या झगड़ा ना करें। सऊदी सरकार ने सभी हाजियों को चेताया है कि हज के दौरान किसी तरह का धरना देना या सऊदी अरब के कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी करना भी प्रतिबंधित रहेगा। तो दोस्तों, जो भी हज करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ये जानकारी जरूर पहुंचा दें और सभी को ये बातें बहुत ही ध्यान रखना है, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई मसला पैदा ना हो।